नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। जेपीजी इमेज कैसे निकालते हैं, यानी कि जेपीजी फॉर्मेट का अगर फोटो हमें निकालना होगा किसी भी वीडियो से तो क्या करेंगे, मैं आपको सबसे सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे वीडियो से जेपीजी इमेज या फोटो निकालेंगे ओलिव वीडियो एडिटर के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा ओलिव वीडियो एडिटर खुला हुआ है, और ओलिव वीडियो एडिटर एक ओपन सोर्स वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। आप कमर्शियली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओलिव वीडियो एडिटर खुला हुआ है। तो सबसे पहले जो काम करना होता है, हमें फाइल में जाना होता है, उसके बाद न्यू में क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट पे नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया, मैंने एक नया प्रोजेक्ट ले लिया। लेने के बाद अब जिस वीडियो क्लिप से हमें फोटो निकालना है उस वीडियो क्लिप को लेकर आना होगा। तो वीडियो क्लिप को लाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, या तो फाइल में क्लिक कीजिए और यहाँ से इंपोर्ट का जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट आप कंट्रोल प्लस आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इंपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट मीडिया का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब जिस जगह भी आपने वीडियो क्लिप रखा है यहाँ से आप उस वीडियो क्लिप को लेकर आना होता है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो फाइल्स नाम से एक फोल्डर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको ओपन पे क्लिक किया। करने के साथ यहाँ बहुत सारे वीडियो फाइल्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो नॉर्मल से एक वीडियो क्लिप मैं यहाँ से लेता हूँ, जैसे ये एक वीडियो क्लिप है, इसलिए मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही देखिएगा ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट का विंडो है, यहाँ वो वीडियो क्लिप आ गया। अब इस वीडियो को क्या करना होगा, सिंपली आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और उसे ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन का विंडो है, ये टाइमलाइन का विंडो है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइमलाइन, इस पर ला के रख दिए। रखने के साथ यहाँ पे देखिएगा एक टाइमलाइन ये शो कर रहा होता है इस तरह। अब यहाँ पे ऊपर देखिएगा वीडियो का वीडियो ट्रैक है और नीचे इसके साथ ऑडियो भी है, और यहाँ देखिएगा ये सीक्वेंस व्यूअर के अंदर वो वीडियो क्लिप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जब आप ऐसे टाइमलाइन पे ला के रखेंगे किसी भी वीडियो क्लिप को, तो आपका ये सीक्वेंस व्यूअर है, यहाँ पे आप वो वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। अब इस वीडियो क्लिप को मैं यहाँ से प्ले बटन है, यहाँ से आप क्लिक कीजिए, ये वीडियो क्लिप देखिए प्ले हो रहा है। अब जो भी आपको यहाँ से फोटो लेना है, जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अब ये वाला फोटो मुझे लेना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसी सीक्वेंस व्यूअर के अंदर यहाँ जिस जगह आपको वीडियो क्लिप दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए कहीं भी इस जगह पे, और राइट माउस का राइट क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन यहाँ पे उभर कर आ जाएगा। एक है सेव फ्रेम एज इमेज, दिया हुआ देखिए सेव फ्रेम एज इमेज, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ यहाँ देखिए सेव फ्रेम का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जिस जगह भी आपको सेव करना है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने चूज कर लिया, डेस्कटॉप आ गया। आने के बाद यहाँ पे फाइल नेम का एक बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पे फोटो लिख देता हूँ, फोटो फ्रॉम ओलिव लिख दिया, जो भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे देखिए फाइल नेम फोटो फ्रॉम ओलिव दे दिया, उसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे सेव एस टाइप, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट, यहाँ पे जिस फॉर्मेट में सेव करना है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन इस तरह लिस्ट आएगा। यहाँ पे देखिए जेपीजी दिया हुआ, जेपैक देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला चूज कर लिया मैंने। अब देखिए इसका नाम याद रखिएगा, फोटो फ्रॉम ओलिव दिया हुआ। ऑटोमेटिकली जब नाम देंगे और यहाँ पे सेव एस टाइप चूज करेंगे तो डॉट यहाँ पे उसका एक्सटेंशन नेम आ गया, जेपीजी लिखा हुआ, और इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। उसके बाद इसे सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब ये फोटो जो है यहाँ पे जो आपने वीडियो देखा है ये सेव हो गया। अब दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये जो ओलिव वीडियो एडिटर जो खुला हुआ है, अब इसको मैं मिनिमाइज यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे वापस चले आते हैं। अब डेस्कटॉप पे देखते हैं वो फोटो, ये देखिए अगर नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऊपर लाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये फोटो देखिए फोटो फ्रॉम ओलिव लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आइटम टाइप बता रहा है, जेपीजी फाइल है, डायमेंशन साइज बता रहा है, प्लस यहाँ पे इसको देखने के लिए राइट क्लिक किया मैंने, इसे मैं ओपन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत सा फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक विंडो को थोड़ा सा मैं स्केल करके थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे आप देख सके अच्छी तरह से, सेम फोटो ये देखिए ये फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम वही फोटो है, देख लीजिए ध्यान से, वही वाला फोटो है जो हम लोगों ने वीडियो से ग्रैब किया हुआ था। यहाँ देखिए ओलिव में देखिए सेम फोटो, ये वाला देखिए सेम फोटो आपको दिख रहा होगा। अब
इसको मिनिमाइज करते हैं, ये देखिए बाहर सेम यहाँ पे आप फोटो दिखाई दे रहा होगा। जेपीजी फॉर्मेट में हम लोगों ने इस फोटो को सेव कर दिया। फिर से एक बार दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ओलिव के अंदर। अब वीडियो क्लिप, सबसे पहले आपको ओलिव को ओपन करना होगा, फाइल में जाके यहाँ से इंपोर्ट करके वीडियो क्लिप को लाना होगा। लाने के बाद इस वीडियो क्लिप को, एक और भी तरीका है पर ये वाला बहुत सिंपल है, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, वीडियो क्लिप को ठीक ला के यहाँ टाइम लाइन पर रखना होगा। उसके बाद इस वीडियो क्लिप को आपको सिंपली यहाँ से प्ले कर देना होगा। यहाँ से भी आप यहाँ प्ले कर सकते हैं, स्पेस बार प्रेस कीजिएगा तो वीडियो क्लिप प्ले होने लगेगा, और स्टॉप करने के लिए अगेन स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज नहीं हो पा रहा तो ये जो सीक्वेंस व्यूअर है यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप शो करेगा। ये देखिए मैं इसे प्ले करता हूँ, ये देखिए मेरा वीडियो क्लिप प्ले होगा, देख लीजिए। अब मान लेते हैं फिर से इस वीडियो क्लिप को जिस जगह आपको फ्रेम ग्रैप करना है, जैसे यहाँ पे ये वाला फोटो चाहिए, इस पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, रुक गया मेरा वीडियो क्लिप, स्टॉप हो गया। स्टॉप करने के बाद इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए सेव फ्रेम एज इमेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ यहाँ पे सेव फ्रेम का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस जगह आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आप वो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया हुआ, और यहाँ पे फाइल नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना अपना ही नाम लिख देता हूँ, मैं लिख दिया मैंने गौतम। लिखने के बाद आप जिस सेव स्टाइल, जैसे जेपीजी में सेव करना है तो उसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे आ गया जेपैक जेपीजी, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, फाइल का नाम दे दिया था मैंने गौतम। और जैसे ही इसमें जेपीजी चूज कीजिएगा, पीछे उसका किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है, जेपीजी यहाँ पे शो कर रहा लिखा हुआ आ गया, उसके बाद इसे हम लोग सेव कर देते हैं। सेव हो गया, अब ये फोटो को ध्यान से देख लीजिए आप, ये देखिए फोटो आपका सीक्वेंस व्यूअर के अंदर ये फोटो है। अब इसे डेस्कटॉप पे हमें देखना होगा, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ओली वीडियो एडिटर को, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे वापस आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फोटो, यहाँ पे देखिए गौतम नाम से यहाँ पे फोटो आपको शो कर रहा है। अब इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे, राइट क्लिक किया और इसे थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं फोटो को। ये देखिए ये फोटो, सेम फोटो देख लीजिए, ये फोटो यहाँ पे आ गया। तो किसी भी वीडियो से इस तरह आप जेपीजी फॉर्मेट का फोटो निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओलिव वीडियो के एडिटर के अंदर कैसे हम लोग किसी भी वीडियो से फोटो को जेपीजी फॉर्मेट का फोटो या इमेज हम लोग निकाल सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं ओलिव से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।